दिमाग जिसको समझ में आ गया उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही है, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? सब मन का खेल है। कानपुर की हसीना, बड़ा जलवा था उनका ग्रुप में, बड़ा दबदबा था, यही तुम्हारे में मिसिंग है। 5 रुपए फूल, 20 रुपए के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? तो अगर तुम ये करने लगे वर्षिप का मतलब आम आदमी के लिए मतलब क्या है? मांगना। भगवान के पास गए, उनको कुछ दे रहे हैं, 2 रुपए फूल चढ़ा दिए, 20 रुपए के लड्डू चढ़ा दिए, और फिर कह रहे हैं भगवान पीसीएस वाला रिजल्ट देख लेना। 5 रुपए फूल, 20 रुपए के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? पूजा मतलब मांगना नहीं, पूजा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन। क्योंकि पूजा में आप क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हो। तो अब पूजा नुकसानदायक नहीं है, ये जो अप्रोच है ये नुकसानदायक है। ये चाहे मुसलमान पूजा करे, चाहे हिंदू पूजा करे, चाहे क्रिश्चियन पूजा करे, चाहे बुद्ध पूजा करे, बौद्धिस्ट पूजा, सभी आंख बंद करते हैं। क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें खुद का दर्शन होता है। आंख बंद किए देखे, मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है, तो जो मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है वो यहां एनसीईआरटी में कैसे लगेगा? और जो मन लग ही नहीं रहा है अपने गोल में, उसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी? भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आश्चर्य नहीं होता? फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, कह रहे हैं भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले, कुछ नहीं, सब मन का खेल है। और शरीर दिखाई पड़ती है, मन दिखाई नहीं पड़ता। तो ये है रैशनैलिटी, ये जो अप्रोच है इसको रैशनल अप्रोच कहते हैं। कबीर भी तो कह रहे हैं मैं तो कुत्ता, राम का मोतिया मेरा नाम। लेकिन वहां राम का मतलब क्या है? चेतना। पढ़ तो तुम रहे ही हो, पढ़ तो तुम रहे हो, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ना और सोचना, कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है, वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है, वही इतिहास चल रहा है, वही ज्योग्राफी मन में, जब आंख बंद कर रहे हैं सब वही चीज चल रही है। ये जीतेगा? ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा और प्रोडक्टिव पॉजिटिव इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है, है ही नहीं। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है मनोहर कहानियां, उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना,
एक आदमी पढ़ रहा है द वीक, पढ़ दोनों रहे, एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे, सभी बात करेंगे पड़ोसी की, एक आदमी बात कर रहा है ध्यान की, हमारे दोस्त हैं अब तो दोस्ती रही नहीं, नाराज हो गए बेचारे हमसे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं को नौकरी मिली थी, वो भी सरकारी, तो सरकारी नौकरी मिलना भारत में, उनको 22 साल में नौकरी लग गई। तो यूएन का समझौता होता है सबके बीच में, आपके भी दोस्तों के बीच में होगा, हमारे भी था, कि एक्स्ट्रा खर्चा यही करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे यही, बड़ा जलवा था उनका ग्रुप में, बड़ा दबदबा था, तो बेचारे पिक्चर उच्चर दिखाते थे, मूवी वूवी दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मूवी की 2 टिकट थी, तो जिसको बुलाए थे देखने के लिए वो आया नहीं, पता नहीं आया नहीं आई नहीं जो भी हो, पर वो नहीं आया, तो किसी ढूंढ रहे थे वो, तो मैं टकरा गया, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम मूवी देखने चलोगे, हमने कहा चलो, कौन सी मूवी है, कहे हिस, मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी थी हिस, हिस ये कौन सी मूवी है यार, अरे बोले भाड़ में गई मूवी की थीम, मल्लिका जी ने 17 किसिंग सीन दिया है, अरे मैंने कहा जाहिल तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही है उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है, ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद किए एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे आज उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे, ये आईआर के बारे में सोच रहा है, इकॉनमी के बारे में सोच रहा है, ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो इसमें से तुम किसमें हो, ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है, हाँ बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है, तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे, ध्यान से तपस्या से, बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़े होकर पढ़ो, भुना चना रख लो खाओ और बढ़िया पनीर वनीर लाके घर में रखे रहो, मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा, ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा, इसको पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है, ये जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, काटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है, तुमको लगता हो कि ये पागल है, पागल नहीं है ये, अस्पताल में हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए, सब राम 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 राम, तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है वही तपस्या है, वो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा ही नहीं सकता, कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता, मैं यही सिलेबस यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था, और लड़के मिलते, कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा ना वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है उसके बाद नहीं जाएगा, एक आध और कोई चला जाए समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है वो जा सकता है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में है, बनाओ तुम्हारा अच्छी बात है, ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे,
जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा, शिक्षा।